Hello friends, welcome back to our channel. In today's video, I want to tell you how to solve auto restart problem. Is device mein auto restart aur Samsung logo stuck problem theek kaise kare? Mera jo Samsung device hai, ye har din ek se do bar automatic restart hota hai aur kabhi kabhi restart ke dauran Samsung logo par atak jata hai. Ab zara sochiye, kisi ke sath aap phone pe baat kar rahe hain ya koi game khel raha hai ya koi kaam kar raha hai. Agar us waqt phone restart hota hai to kaise lagega? दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को ठीक करने का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप दिखाऊंगा, अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो आपका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नंबर वन, फोर्स रिस्टार्ट। कभी कभी सॉफ्टवेयर क्रैश होने के कारण ऑटो रिस्टार्ट या लोगो पर अटक जाने का प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस हालत में फोन को नॉर्मल तरीके से रिस्टार्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए फोर्स रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब साइड में पावर बटन एंड वॉल्यूम माइनस बटन को एक साथ दबाए रखना है। दस से पंद्रह सेकंड बाद फोन हल्का सा वाइब्रेट होगा और डिस्प्ले के ऊपर सैमसंग की लोगो आएगा, तब छोड़ देना। उसके बाद डिवाइस अपने आप रिस्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका डिवाइस इस तरीके से ऑन हो गया है तो सेकंड स्टेप फॉलो कीजिए ताकि ये दोबारा ऑटो रिस्टार्ट ना हो सके। नंबर टू, डिजेबल ऑटो रिस्टार्ट। इस डिवाइस में एक स्पेशल फीचर्स दी गई है। जब आपका फोन ज़्यादा गर्म हो जाएगा या कोई टेक्निकल इशू डिटेक्ट करेगा तब वो ऑटोमेटिक रिस्टार्ट होगा, इससे डिवाइस की परफॉर्मेंस ठीक रहते हैं। अगर आप इस फीचर्स को बंद करना चाहते हैं तो फोन की सेटिंग्स ओपन करें। सेटिंग्स ओपन करने के बाद स्क्रॉल करते हुए नीचे की ओर जाइए, इसके बाद डिवाइस केयर, फिर से नीचे की ओर जाके ऑटो ऑप्टिमाइजेशन पे क्लिक करें। दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑटो रिस्टार्ट। अगर ये ऑन किया हुआ है तो उसे बंद कर दीजिए, इससे आपका डिवाइस ऑटो रिस्टार्ट होना बंद हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने डिवाइस की इंटरनल स्टोरेज कम से कम 20 से 25% खाली रखिए। अगर कोई फालतू की आप इंस्टॉल किया हुआ है तो उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। गेम खेलते समय या किसी काम करते समय अगर फोन ज़्यादा गर्म हो जाए तो कुछ समय के लिए फोन को साइड में रख दीजिए, इससे डिवाइस की परफॉर्मेंस बेहतर होगा और फ्यूचर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नंबर थ्री, सॉफ्टवेयर अपडेट। दोस्तों, आप ये दोनों प्रोसेस अप्लाई कर लिया है, अगर इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो जान ले कि आपके फ़ोन की हार्डवेयर में सीरियस कोई प्रॉब्लम हुआ है। हम लोगों ने कई बार नोटिस किया है कि इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादातर फ़ोन में सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद ही होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट में बग या ग्लिच की वजह से मदरबोर्ड डैमेज हो जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुझे कॉमेंट करके बताइए। दोस्तों, इसका केवल एक ही फ्री सोल्यूशन है, हार्ड रीसेट। आप अपना फ़ोन को एक बार हार्ड रीसेट करके देख सकते हैं। हार्ड रीसेट करने से आपके फ़ोन में जितने सारे इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह होगा, जैसे कि फोटो, वीडियो, एप्स, जो भी है, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो सबसे पहले पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ होल्ड करके रखना है। जब डिस्प्ले लाइट ऑफ हो जाए तुरंत पावर बटन एंड वॉल्यूम प्लस बटन को प्रेस करके रखना है, फिर सैमसंग का रिकवरी मोड एक्टिवेट हो जाएगा। सैमसंग रिकवरी मोड में कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसी इंटरफेस में हमारे मोबाइल का टच स्क्रीन बिल्कुल काम नहीं करेगा। कोई भी सेटिंग्स एक्सेस करने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम की का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पे रिबूट सिस्टम नाउ सिलेक्ट है। अब फोन को फॉर्मेट करने के लिए वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस करके वाइप डेटा और फैक्ट्री रिसेट में जाना है। नेक्स्ट एक बार पावर बटन दबाएं। वाइप ऑल यूजर डेटा, मतलब स्क्रीन लॉक के साथ साथ पूरा फोन फॉर्मेट होने जा रहा है। इसके बाद एक बार वॉल्यूम डाउन बटन को प्रेस कीजिए, फिर पावर बटन दबाएं। कुछ ही सेकंड में फोन का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। डेटा फॉर्मेट होने में कभी कभी 10 से 20 मिनट तक लग सकते हैं। मेरा फ़ोन मेमोरी पूरा खाली था, इसलिए बस जल्दी हो गया है। यहाँ रिबूट सिस्टम नाउ ऑप्शन सिलेक्टेड है, तो आप एक बार पावर ऑन दबाएं, फिर आपका डिवाइस ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। मोबाइल चालू होने में थोड़ा समय लगता है, तो आप टेंशन ना करें। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डिवाइस स्टार्ट हो गया है। नंबर फोर, सर्विस सेंटर। दोस्तों, हार्ड रीसेट करके 90% लोगों का प्रॉब्लम ठीक हो गया था। अगर आपकी किस्मत वाकई ख़राब है तो आपके लिए लास्ट ऑप्शन सर्विस सेंटर है। आपके डिवाइस में मदरबोर्ड डैमेज हो चुका है, कृपया इसके बाद नियरेस्ट कोई सैमसंग सर्विस सेंटर या मोबाइल रिपेयर दुकान पर लेके जाइए। और एक चीज़ कर सकते हैं, अगर डिवाइस कभी कभी ऑन हो रहा है तो अपना फ़ोन किसी नए डिवाइस के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हो कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।